करना बंद कर। क्या काट डालूंगा? कसाई मंत्री, इसको बोलो बंद करे। बंद करो, बंद करो उसे, बंद कर कैमरा, बंद कर, बंद। ए साले बंद कर, नहीं तो मैं तेरी को बताऊं। अरे भाई साहब, अबे साले सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को, बंद करो ये, बंद करो। ए दलियल बंद करो इसे, नहीं तो तेरा पूरा जंगल काट दूंगा, एक झाड़ नहीं बचेगा झाड़ लेने के लिए। बंद करो सबका। अरे यार जरा कैमरा कंट्रोल रूम की तरफ घुमा, यार भी चप्पल दिखा रहा है यार। हम उसको दिखा देते हैं, प्लीज कूल डाउन। कूल को पीछे डाल के कूल कर, वो कैमरा लेके यहाँ आ रहा है। बंद करो ये, बंद करो। अबे चप्पल नीचे कर, ये असेंबली नहीं है घर। इनको बोला ना, ये लोग क्यों बंद कर रहे हैं? बेवकूफ, ये लाइव टेलीकास्ट से लाइव क्रिकेट मैच की तरह सारे देश की जनता देख रही है। चप्पल नीचे कर। मैं भी दिख रहा हूँ क्या? तू दिख रहा है, तेरा चप्पल दिख रहा है, और चप्पल में लगा गोबर भी दिख रहा है। गोबर प्रसाद, ये साले को MP बनना है। आइए साहब, ये लाइट लीजिए, एक बार चप्पल दिखाइए प्लीज। चप्पल कहाँ की थी, कोल्हापुर की थी या लखनऊ की थी जी? दादा बहुत हो गया इंटरव्यू, चले। अच्छा तो इंटरव्यू खत्म ना, जय हिंद। एक्सक्यूज मी सर, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लोग देख रहे हैं। लोगों को उनके सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला, बैठ जाइए प्लीज। अच्छी डबिंग की है, मेरे जैसी आवाज वाले किसी से कुछ भी बुलवा कर जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये। इन सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। इसे खुद मैंने अपने कैमरे से शूट किया सर। ऑपोजिशन वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया है? अगर आप ऑपोजिशन में होते तो कितना पैसा खिलाते? माइक पकड़कर सैटेलाइट टेलीविजन की आड़ में तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे और मैं उसका जवाब दूंगा? क्यों? जवाब देना आपकी ड्यूटी है सर, इसलिए 8 करोड़ लोगों ने आपको चुना है। मुख्यमंत्री क्या होता है जानते हो? आज तक एक बार भी CM के ऑफिस में आए हो? वहाँ की चौकट पार की है तुमने? आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं, गालियां देते हैं। जानते हो कितना कुछ झेलता हूँ मैं? जो CM की कुर्सी पर बैठता है ना, वही जानता है। जब कभी कोई दंगा फसाद या कुछ ऐसा होता है तो जज्बाती होकर जल्दबाजी में मैं एक तरफा फैसला नहीं करता। मैं पहले फसाद की जड़ तक पहुंचता हूँ, फिर से सुलझाता हूँ। तुम्हारी तरह हवा में सवाल नहीं पूछता, और यही मैंने उस दिन किया। उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया सर। जो समस्या आसानी से हल हो सकती थी, उसे आपने अपने फायदे के लिए और बड़ा बनने दिया, और अब यहाँ बैठकर खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। डाल के देखो फिर पता चलेगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए CM बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, संविधान में इसके लिए भी प्रोविजन है। एक छोटा सा ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा बस। एक दिन, 24 घंटे, कुछ भी नहीं है। सर हम मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। तब पता चलेगा कि कितने लोग एजुकेट हुए और कितने लोगों की गरीबी कम हुई। तब तुम यहां बैठना और मैं तुमसे सवाल पूछूंगा इसी प्रोग्राम में। बोलो क्या बोलते हो? ये CM साहब क्या कर रहे हैं? वनडे मैच खेल रहे हैं CM की कुर्सी का। जब से बिहार होकर आए हैं अनशन बोलते रहते हैं। नहीं सर, वो आपका काम है, मेरा नहीं। बस हवा निकल गई। तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि दुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो। बोलो बनोगे CM एक दिन के लिए? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बच्चे, सब लोग देख रहे हैं, जवाब दो। या इंटरव्यू खत्म करें। ठीक है सर, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तैयार हूं। एक दिन के लिए मैं आपकी कुर्सी पर बैठकर देखूंगा।
ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। चलो अच्छा है, एक दिन मुझे भी पढ़े लिखे सीएम के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो ठीक है। जय हिंद। मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच। पूरा का पूरा धो डाला है।